हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनॉमिक्स। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग पोर्शन वाइज कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है पहला पोर्शन, दैट इज़ द फर्स्ट पोर्शन, जहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के अगर आप देखेंगे तो टाइप्स है या क्लासिफिकेशन को समझेंगे, और उसके बाद उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे। और ये पहले पार्ट में कवर करेंगे, और उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट समझने से पहले हम ये समझते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, द वन इज़ बायर एंड द सेकेंड वन इज़ द सेलर, जहाँ पर बेचने और खरीदने वाले दोनों लोगों का अगर आप देखेंगे एक तरीके से इंट्रैक्शन होता है, और बायर जो है जो ख़रीदने वाला है और सेलर जो है बेचने वाला है, उनके बीच में कॉमन एक्सचेंज होता है गुड्स का विद अ कॉमन मीडियम कॉल्ड मनी। पैसों के थ्रू लेन देन जो होता है उसको मार्केट बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हुई? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल किए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले, तो वो मार्केट जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल किए जाते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोल देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी मार्केट है जो लिंक क्रिएट करती है दो लोगों के बीच में, एक हो गया सेवर्स और दूसरा हो गया बोरोवर्स। सेवर्स वो लोग हैं जिनके पास पैसा एक्सेस में है, और बोरोवर्स वो लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है। जब आप पैसा या रुपए या इनकम जब आपके पास आती है, तो उसमें से आपके पास जो एक्सेस मनी होता है उसको आप बैंक में सेव करते हैं, और बैंक उसी पैसे को लोन के फॉर्म में देता है, अगर आप सिंपलेस्ट वे में समझना चाहते हैं। तो एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर्स आर दोज पर्सन हु आर हैविंग द मनी इन एक्सेस, एंड बोरोवर्स आर दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे अगर आप देखेंगे एक लिंक क्रिएट होता है बिटवीन सेवर एंड बोरोवर्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में बोलें कि इस मार्केट के अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, मनी ट्रांसफ़र हो रहा है उनके पास से जिनके पास सरप्लस मनी है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, जिनको कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत है। तो दो लोगों के बीच में लिंक क्रिएट करता है। अब इस मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेन प्लेयर्स कौन से हैं। मेन प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर RBI हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, LIC, GIC जैसे बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे दिख जाएंगे। और मेजरली यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बेचे और ख़रीदे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो अगर आप देखेंगे तो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट वगैरह भी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, फाइनेंशियल मार्केट है क्या। एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, या दोज आर हैविंग दी मनी इन एक्सेस एंड दोज आर इन नीड ऑफ मनी, दो लोगों को जोड़ता है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे आती है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट जो है पहला मेजर फंक्शन यहाँ पे जो दिया गया है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। अब ये देखिए दिख रहा होगा आपको, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, मतलब लोगों के पैसे को जो लोग सेव कर रहे हैं उसको ऐसी जगह लगाना, ऐसी जगह इन्वेस्ट कराना जिससे कि उनको बेटर तरीके से रिटर्न मिल सके, और अगर आप देखें उस पैसों का बेस्ट तरीके से यूज़ हो सके। मतलब जब इंसान पैसा बचाएगा, पैसा बचा करके बैंक या फाइनेंशियल किसी भी मार्केट में जब इन्वेस्ट करता है तो उस पैसे को प्रोडक्टिव जगह लगाया जाता है जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करे, लोगों को अच्छे रिटर्न जनरेट हो, और जिनको ज़रूरत है वो उस पैसे का बेटर तरीके से यूज़ कर सके। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट होता है सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में। तो जो लोग पैसा सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव मतलब करके बैंक में रखते हैं, और बैंक उसी पैसे को इन्वेस्टर्स को देता है, मतलब जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ा रहे होंगे या बिजनेस में एक्सपेंशन कर रहे होंगे उनको, जिससे कि इकोनॉमी में फर्दर इनकम जनरेट होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी होता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को बेचा और ख़रीदा जाता है। तो आप आसानी से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को बेच और ख़रीद सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली।
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद और बेच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप सेल करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जा करके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आप यूज़ करके, प्लेटफॉर्म का यूज़ करके शेयर को कभी भी बेच सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत हाई होती है, जो चीज़ आप परचेज करें उसको आसानी से कैश में, बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, इस मार्केट की खासियत है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, हमें किसी एक्सपर्ट को हायर नहीं करना पड़ता है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है हमें खुद ब खुद मिलती रहती है मार्केट से, जिसके थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब हमें लगता है प्रॉफिटेबिलिटी है तो हम उसको अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट की मदद नहीं लेनी पड़ती है, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद चौथा, अगर आप देखेंगे तो प्राइस डिस्कवरी में भी मदद करता है। कि प्राइस डिस्कवरी का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ बेचे जा रहे हैं उनका प्राइस क्या होगा। देखिए, प्राइस हमेशा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जिस फाइनेंशियल एसेट की डिमांड ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें रिलायंस के शेयर में, अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो शेयर का प्राइस होगा वो अपने आप ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिमांड हाई हो जाएगी। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल एसेट की डिमांड हाई हो जाती है तो बट ऑब्वियसली बात उसका प्राइस भी हमेशा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस को डिसाइड करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है फाइनेंशियल मार्केट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये चार अगर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े, जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट का जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा तो क्लासिफिकेशन में दो तरीके की मार्केट पढ़ी जाती है, एक है मनी मार्केट और दूसरी है कैपिटल मार्केट। तो पहले तो आप ये समझिए, मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म की मार्केट होती है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बेचे जाते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए मनी मार्केट, तो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म, जिस जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बेचे जाएंगे मनी मार्केट के अंदर, उनका मेच्योरिटी पीरियड जो होगा दैट विल बी ऑफ वन ईयर। तो मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं, ठीक है, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, उनका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है दैट इज़ ऑफ वन ईयर। तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, इसके टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट जो मार्केट है दैट इज़ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है दैट इज़ द लॉन्ग टर्म मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सब लॉन्ग टर्म का ही होता है। तो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, जहाँ पे एक साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी होती है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है कैपिटल मार्केट, फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी मार्केट और सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, अब देखिए प्राइमरी मार्केट के अंदर जब हम न्यू पहली बार शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं, तो जितना भी न्यू इशुएंस होता है शेयर्स का, न्यू सिक्योरिटीज़ को जब इशू करा जाता है तो हम प्राइमरी मार्केट का सहारा लेते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मार्केट जब आप देखेंगे, जब दोबारा सा रीसेल रीपरचेज होता है तो सेकेंडरी मार्केट का, तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आपको सेकेंडरी मार्केट के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, जनरल आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। अब देखिए क्लासिफिकेशन पे आते हैं प्राइमरी मार्केट के, सॉरी मनी मार्केट के। तो मनी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मनी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ अ शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाएंगे वो रिडीम हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर। तो यहाँ मेच्योरिटी पीरियड जो होती है वो एक साल की होती है, एक साल के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट मेच्योर हो जाते हैं और एक साल से ज़्यादा हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं अगर आप देखेंगे तो, जैसे कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया एंड कमर्शियल बिल हो गया। ठीक है, अब इशू करने वाले इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, RBI, LIC, GIC और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अगर आप देखेंगे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं। अब हम एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है कॉल मनी। देखिए कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी एक ऐसा इनिशिएट है
जब बैंक टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश फेस करते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू बैंक्स, दो बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग कॉल मनी के नाम से जानते हैं। तो जब एक बैंक कोई टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश फेस करता है कि उसके पास शॉर्टेज हो जाती है कैश की कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तो वो दूसरे बैंक से कुछ पैसा लेंड कर लेता है, ठीक है, उस टेम्पररी शॉर्टेज को रिमूव करने के लिए। और कई बार ये बोला जाता है कि बैंक CRR को, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी ये पैसा लेते हैं। जनरली ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो एक से दो दिन का होता है और उस पर जो बैंक ले रहा है पैसा वो दूसरे बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, जिसको हम लोग कॉल रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है और यहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है हार्डली एक से दो दिन के लिए और उस पर जो इंटरेस्ट वो पे करता है उसको हम लोग कॉल रेट बोलते हैं। तो कॉल रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कॉल मनी, होप तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जब गवर्नमेंट को कुछ फंडिंग की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो RBI जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक तरीके का बॉन्ड इशू करती है जिसको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 14 से 364 डेज, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 364 डेज के अंदर आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। इसकी एक खासियत होती है कि ये रीशू होगा डिस्काउंट पे और रिडीम होगा पार पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए 25,000 का जीरो बॉन्ड, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड जो है ना हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में ही पूछा जाता है या मल्टीपल्स में ही इशू किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, कि इशू किस में किया जाता है, तो इशू किया जाता है डिस्काउंट में। मतलब अगर फेस वैल्यू 25,000 की है तो आपको ये मिल जाएगा 24,000 या 23,000 में, और जब भी इसका टाइम पूरा होगा तो फिर गवर्नमेंट आपको 25 या RBI आपको 25,000 ही पे करेगा। मतलब इशू आपको डिस्काउंट में होगा और रिडीम जब आप करेंगे तो पार पे रिडीम होगा और हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में इशू होगा। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, क्या 90,000 का जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, 90,000 का जीरो कूपन बॉन्ड कभी भी इशू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 25,000 में ही इशू होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल इज़ जस्ट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने पढ़ा भी होगा। इसको हम लोग ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के ऊपर ड्रॉ करता है, ठीक है, मतलब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को बिल बना के देता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज़ का होता है और 90 डेज़ के अंदर इसका पेमेंट किया जाता है ना। और इसको अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिज़नेस इसको पहले रिडीम करना चाहता है या डिस्काउंट कराना चाहता है तो वो बैंक से इसको डिस्काउंट करा सकता है। मान लेते हैं मेरे पास 50,000 रुपये का बिल है और 90 दिन बाद मुझे ये पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो मैं उस बिल को लेकर के बैंक के पास जा सकता हूँ, बैंक उसको देखेगा और उसको डिस्काउंट कर देगा, मतलब 50,000 की जगह मुझे 48,000 का पेमेंट कर देगा, 49,000 का पेमेंट कर देगा और 1,000 रुपये अपना कमीशन रख लेगा। और जब टाइम पूरा होगा तो बैंक अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके सामने वाली पार्टी से पूरे 50,000 रुपये कलेक्ट करवा लेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये कॉमर्शियल बिल कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए, नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो इसको इशू कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, वो प्रॉमिस करती है सामने वाले इंडिविजुअल से, इन्वेस्टर से, कि उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पे किया जाएगा 3 to 12 months में। अब मेजरली प्राइवेट कंपनीज ही इसको इशू करती हैं, जो प्राइवेट रेपुटेड कंपनीज होती हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है फॉर अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। अब कॉमर्शियल पेपर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली कंपनियाँ जो है ये इस तरीके के पेपर को तभी इशू करती हैं जब उन्हें कोई अपना फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करना होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जब कंपनी, मान लेते हैं शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, तो उसको बड़े सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस हो गया, ब्रोकरेज कमीशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, तो उस खर्चे को मीट करने के लिए कंपनियाँ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज कर लेती हैं मार्केट में और उसको उठा करके, उस पैसे को उठा करके वो सारे चार्जेस पे कर देती हैं। और जब वो शेयर होल्डर से पैसा आगे चल करके रेस कर लेंगी, क्योंकि शेयर होल्डर तो ओनर होते हैं, उनसे पैसा जब उन्होंने रेस कर लिया तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए जो पैसा लिया गया था उसको पे ऑफ कर देती हैं। तो इसको हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिज फाइनेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का ब्रिज क्रिएट हो रहा है। देखिए अब कंपनी को अपनी शेयर को मार्केट में लिस्ट करने के लिए करीबन, मान लेते हैं 50,000 का या 1,00,000 का खर्चा है, ये एग्जांपल है, 1,00,000 का एक्सपेंसेस है, तो ये 1,00,000 कंपनी अपना ना लगा करके
एक तरीके का कॉमर्शियल पेपर इशू करती है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको गारंटी भी देती है कि भाई आपका पैसा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंटरेस्ट लगा के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग जैसे इन्वेस्ट करेंगे पैसा कंपनी के पास पहुंच जाएगा, वही पैसा उठा करके कंपनी जो है शेयर मार्केट में अपने कंपनी शेयर मार्केट के जो चार्जेस हैं या अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के जो अंडरराइटिंग चार्जेस हैं, ब्रोकरेज कमीशन है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी है, उनमें लगा देगी। और बाद में चल करके जब वो मार्केट से पैसा रेज करेगी, शेयर होल्डर्स जब उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जब उसके पास फंड आएगा तो उसी फंड से निकाल करके अगर आप देखोगे इन लोगों को पे कर देगी जिन्होंने कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करा था। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट कराने के लिए कंपनियां इसको इशू करती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक इशू करता है अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियाज और इंस्टीट्यूशंस बैंक में डिपॉजिट रखती हैं तो बैंक उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट देता है जिसमें प्रॉपर सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, अमाउंट लिखा रहता है, मैच्योरिटी डेट लिखी रहती है, तो उसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे आप अगर बैंक में एफडी बनाओगे तो उस एफडी के अगेंस्ट में बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, आपका नाम रहेगा, अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा, मैच्योरिटी डेट रहेगी, मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा, जो इस बात की गारंटी रहती है कि आपने अपना पैसा बैंक के साथ रखा हुआ है। इसीलिए जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज़ जब बैंक के पास पैसा रखते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। हाँ, इसका अगर आप देखेंगे तो जो पीरियड रेंज करता है वो 91 डेज से 1 ईयर का है। और अगर आप देखेंगे तो बैंक जो है इसको समय से पहले डिस्काउंट नहीं करती है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 91 डेज से 1 ईयर का है और बैंक आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज डॉक्यूमेंट्स। तो ये समय पे ही मैच्योरिटी के टाइम पे ही आपको इसका रिफंड मिलेगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये जो आज का कंटेंट है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है या कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।